नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम उषा देवी है। उषा विलेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलते हैं, बनाना स्टार्ट करेंगे अभी। तो अभी चलेंगे खेत में। और दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, कि मैं नई नई रेसिपी आप लोग को बना के दिखाती रहूँगी, तो आप लोग के पास आसानी से पहुँच सकेगा। तो चलती हूँ मैं। अब मैं घर से आ गई हूँ खेत में, और देखिए यहाँ पे ये नेनुए का खेत है। यहाँ से मैं नेनुआ लूँगी और आप लोग को भी दिखाऊँगी दोस्तों कि इतना बढ़िया खेत है ये कि पूछिए मत। मतलब एकदम गार्डन की तरह सजा हुआ है। तो पहले मैं देख लेती हूँ, उसके बाद तोड़ूँगी। तो दोस्तों देखिए, ये फूल और फल दोनों एकदम बहुत बढ़िया हैं। तो आप लोग यहाँ पे तोड़ते जाएंगे और दिखाते जाएंगे। देखिए यहाँ पे बहुत छोटा छोटा है, तो यहाँ से मैं नहीं लूँगी। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो नेनुए का खेत है, यहाँ पे रोज़ मतलब रोज़ सुबह उठता है, तो ज़्यादा इसमें बीज जो बीए रहते हैं वो नहीं पड़ते, नरम ही नेनुआ को तोड़ा जाता है। तो बहुत ही अच्छी इसकी रेसिपी बनती है। खेत हमने देख लिया, बहुत बढ़िया खेत है, और यहाँ पे बैठकर हमें तोड़ लेते हैं नेनुए को। और देखिए जो भी हमने तोड़ा है, बहुत ही बढ़िया नेनुआ तोड़ा है। तो दोस्तों देखिए, बहुत ही बढ़िया खेत है। देखिए इसमें फूल लगा हुआ है, और इसमें यहाँ देखिए इसमें ढोल लगे हुए हैं। और ये देखिए रेसिपी बनाने का मतलब तैयार हो चुका है। और ये देखिए अभी छोटा है, ये 2-3 दिन बाद तैयार हो जाएगा। और बहुत गोपेदार फलता है दोस्तों, देखिए काफ़ी इसमें फल है, एक जगह से काफ़ी निकलता है। तो मैं इसको तोड़ती हूँ। इसको भी तोड़ लेती हूँ। तो दोस्तों ये जो फूल खिले हैं इतने प्यारे प्यारे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर दें। तो मैं अब इसको नेनुए के देखिए, बहुत ही बढ़िया नेनुआ है। तो मैं इसको तोड़ती हूँ दोस्तों। जो नेनुआ रूढ़ा जाता है मतलब बहुत मतलब इस पर बीज उज पड़ जाते हैं, तो टूटने में थोड़ा टाइट टूटता है, और नरम रहता है तो बहुत बढ़िया टूटता है। दोस्तों यहाँ पे बैठ जाते हैं, और देखिए खेत का सिंचाई हो रहा है पाइप से, और सभी लोग मिलकर तोड़ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डलैये को रखते हैं, और ढेर सारा यहाँ पे नेनुआ फरा हुआ है, तोड़ लेते हैं। यहाँ पे मैं डलैया रख के और मैं बैठकर तोड़ रही हूँ, तो आप लोग पास से देख सकते हैं। और नेनुआ बहुत ही नरम है, बहुत ही आसानी से टूट रहा है। दोस्तों मैं आज जब खेत में आती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे, और सब्जियाँ जो है एकदम ताज़ी मिलती हैं, और बहुत ही तोड़ने में भी अच्छा लगता है, और खेत भी एकदम हरा भरा रहता है। तो दोस्तों आप लोग आराम से हमारा वीडियो को लगे, और मैं बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाकर आप लोग को दिखाऊंगी। यहाँ पे ढोल कर तोड़ लेती हूँ, और ये देखिए खेत सीख रहे हैं, जो पाइप होता है उसी से भरते हैं, तो वही को उठा कर दूसरे स्थान पर रख रहे हैं। तो दीदी लोग सब लोग तोड़ रही हैं, मैं भी उनके साथ तोड़ लेती हूँ अपने हिसाब से जितना मैं लेना चाहती हूँ। दोस्तों गर्मियों के महीने में जब सब्जी बोया जाता है, उसमें जल्दी जल्दी पानी देना पड़ता है, और खाद भी, और बहुत बढ़िया सब्जी भी तैयार हो जाती है। खेत की सिंचाई हो रही है पाइप से,
तो पाइप के आगे जूट वाला बोरा बांधते हैं जिससे कि पेड़ उखड़े ना, और उखड़ जा पानी का प्रेशर दोस्तों इतना रहता है कि एक दो पेड़ ख़राब हो जाता है। तो ऐसे आगे जूट का बोरा बांध देते हैं तो वहाँ से मिट्टियाँ नहीं खसकती, तो बहुत बढ़िया खेत हो जाता है, क्योंकि एक दो घंटे सिंचाई होती है, बहुत लंबा खेत है। जब खेत की सिंचाई होती है तो बगुले और पक्षी लोग आ जाते हैं, चिड़िया, तो देखिए बहुत बढ़िया इन लोग अपना भोजन ढूंढ रहे हैं, पानी में टहल टहल के ढूंढते हैं। तो दोस्तों डिलैया हमारा भर चुका है, अब मैं चलती हूँ घर की तरफ, और दीदी लोग यहाँ पे तोड़ रही हैं, मैं निकल जाती हूँ आराम से। दोस्तों एक खेत आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा हो दोस्तों तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, और चलिए घर की तरफ चलते हैं। तो आप लोग प्लीज़ लगातार लगते रहिए। दोस्तों मैं पहले नेनुआ का छिलका उतार लेती हूँ छलनी से। नेनुआ जो है बहुत ही नरम है हमारा, तो बहुत इसमें बीज नहीं पड़े हुए हैं, तो इसको मैं छोल के सारे नेनुए को रख लेती हूँ। तो दोस्तों जैसे हमारे गांव में अक्सर हम लोग बनाते रहते हैं, उसी टाइप का हम नेनुआ की सब्ज़ी बनाकर आप लोग को दिखाएंगे, तो आप लोग प्लीज़ करते रहिए। नेनुए के छिलका हमने उतार लिया है, अब मैं आलू का भी छिलका उतार कर रख लेती हूँ। अब मैं प्याज का और लहसुन का छिलका भी उतार लेती हूँ। मैं इसको धो लेती हूँ। धोकर अब इसमें थाली में रख लेते हैं। टमाटर, आलू, प्याज ये सबको मैं धोकर रख लेती हूँ। अब मैं बांसुर से सब्जियों को काटती हूँ। नेनुए को चाहे बड़ा काट सकते हैं चाहे छोटा काट सकते हैं, उगल जाएगा, तो मैं ऐसे ही काट लेती हूँ। नेनुए में पानी बहुत ज़्यादा होता है, और ये पकने के बाद बिल्कुल इसमें पीसेस जो है बिल्कुल पता नहीं चलता। नेनुए को हमने काट लिया, अब मैं ये आलू को काटती हूँ। तो दोस्तों आज मैं बनाऊंगी आलू और नेनुए की सब्जी। आलू को हमने काट लिया है, अब ये तड़के के लिए प्याज को भी काट लेती हूँ। अब मैं टमाटर को भी काटूंगी, पहले मैं इसका छिलका उतार लेती हूँ। छिलका उतारने से बहुत ही जल्दी गल जाता है, तो मैं इसका छिलका उतार के ही बनाऊंगी। तो दोस्तों इस तरीके से हम सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा, तो आप लोग हमारे वीडियो को लगते रहिए। अब ये टमाटर को थाली में काट रही हूँ। टमाटर का छिलका उतारने के बाद इसमें जूस निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो मैं थाली में काट रही हूँ, तो थाली में ही रहेगा इसका जूस। अब मैं इस चूल्हे में आग को जला लेती हूँ। आग हमारा जलने लगा, इस पर हम रखते हैं कढ़ाई। तो कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डालते हैं सरसों का तेल। अब ये तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डालते हैं प्याज। अब इसको ब्राउन होने तक पकाते हैं। लहसुन और मिर्चा का हमने थोड़ा सा पेस्ट बनाया है, इसमें डालकर थोड़ा सा इसको पका लेते हैं। तो प्याज हमारा ब्राउन कलर का हो गया है, अब इसमें हम डालते हैं ये मसाले, हल्दी,
धनिया पाउडर। अब इसको भी थोड़ा सा पका लेते हैं। अब इसमें हम डालते हैं ये लाल मिर्च, तो तीखा नहीं है। तो मसाला भी हमारा ये पक चुका है। इसमें हम डालते हैं कटे हुए टमाटर। अब इसको भी टमाटर को भी अच्छे से गला लेते हैं। तो चलाते हुए टमाटर को हमने गला लिया है, थोड़ा है वो गल जाएगा। तो अब इसमें डालूंगी मैं आलू। आलू को डालकर मसाले में मिला लेते हैं। तो ये आलू हमारा हल्का सा पक चुका है। अब इसमें हम मिलाते हैं ये नेनुआ। तो हल्का सा आलू पका कर तभी इसको मिलाएं तो बहुत बढ़िया बनता है, क्योंकि ये पानी छोड़ने लगता है तो आलू में जो है मसाले अच्छे से घुस नहीं पाते। तो इसको पहले मैंने मसाले में आलू को पकाया है, तो आलू में परफेक्ट मसाले और तेल जो है उसमें हो जाते हैं। तो अब मैं इसे नेनुए को मिलाकर डालती जाऊंगी और मिलाती जाऊंगी। अब मैं ढक्कन को हटाकर एक बार इसको चला देती हूँ। तो दोस्तों देखिए कितना इसमें पानी आ गया है। तो इसमें नेनुए में बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। तो अब इसको मतलब हमारा ये पक चुका है, मैं इसको अब ढक्कन नहीं लगाऊंगी, ऐसे ही थोड़ा सा पानी कम करूंगी। तो यहाँ पे गांव में तो ज़्यादा ग्रेवी रहती है, वैसे भी खाते हैं, मैं इसको थोड़ा पानी कम करूंगी, तो वैसे भी खा सकते हैं आप लोग। अब इसमें डालते हैं स्वाद अनुसार नमक। तो इस तरफ हमारा सब्जी पक रहा है, इस तरह मैं आटे को तैयार कर लेती हूँ। आटे को हमने छन्नी से अच्छे से चाल लिया है। अब मैं इसको गूंथती हूँ। तो सब्जी हमारे बनकर तैयार है। देखिए बहुत बढ़िया बना हुआ है, बहुत ही ऐसा इसमें खुशबू भी आ रही है और कलर भी बहुत बढ़िया है। और ग्रेवी भी मैंने ज़्यादा नहीं रखा है, देखिए एकदम बढ़िया है। और इसको मैं इस चूल्हे पर से उतार के इस चूल्हे पर रख देती हूँ। और इस चूल्हे पर मैं रखूँगी अब तवा। आज को थोड़ा मैंने कम किया है, अब इसको तेज़ कर देती हूँ। दोस्तों मैं बनाऊंगी उल्टा, तो रोटी जैसा मैं दो टुकड़े करूंगी, तो दोनों जैसे एक मिलाने में एक रोटी जैसा आटा रहे। तो मैं ऐसे ही काट कर रख लेती हूँ। तो अब इसमें पैथन मतलब सूखा आटा नहीं लगाऊंगी, इसमें लगाऊंगी ये तेल, तो रिफाइन का है, आप कोई भी तेल रस ले सकते हैं। तेल लगाने के बाद थोड़ा सा इसको मैं ऐसे कर देती हूँ। और अब इसके बाद मैं सूखा आटा लगा कर तो रोटी जैसा मैं बेलूँगी। तावा हमारा गर्म हो चुका है, इसमें थोड़ा सा हम तेल डाल देते हैं। और तेल डालने के बाद इसमें हम जो उल्टा बनाए हुए हैं इसको मैं डाल देती हूँ। थोड़ा इसको खिसकाऊंगी। अब मैं इसको पलट देती हूँ। पलटने के बाद इसमें इस तरफ लगाएंगे तेल। तो वैसे ही दूसरी रोटी को भी बेल लिए हैं। अभी हमारा दोनों तरफ से पक चुका है। इसमें हम इसको उतार के सीधा है भगोने में रखेंगे, जैसे हमारा ये नरम रहे, टाठी में रखेंगे तो इसमें टाइट हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही मैं सारे उल्टे को बनाकर रख लेती हूँ। तो आप इसके नेनुए की सब्जी के साथ पराठा, उल्टा, रोटी, चावल किसी भी के साथ खा सकते हैं। मैं यहाँ पर उल्टा बना रही हूँ। उल्टा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं तावे को उतार देती हूँ नीचे और इस थाली में मैं परोस लेती हूँ खाने को। इस तरीके से बनाएंगे नेनुआ और आलू की सब्जी, तो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा और कलर भी बहुत बढ़िया आएगा। दोस्तों ज़्यादा मसाला भी हमने नहीं डाला है, बहुत ही फ़ायदेमंद भी है नेनुआ की सब्ज़ी। तो मैं इस तरीके से बनाए, आप लोग ज़रूर बनाकर एक बार ट्राई करें। तो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कर दें हमारे वीडियो को। तो मैं इस कटोरे में निकाल लेती हूँ पराठे के साथ। तो नेनुए और आलू की सब्जी हमारा बनकर तैयार है, उसके साथ हमारे बनाया है उल्टा। और नेनुए को तोरी भी कहते हैं और हमारे गांव में इस तरीके से बहुत ही अच्छी सब्जी बनकर बनाते हैं सब लोग। तो नेनुए के इस समय है तो ऐसे हमेशा बनता रहता है। अच्छा लगा है दोस्तों तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि कैसा बना है और शेयर करें।
मिलते हैं अगले रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार।